डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है और कई परिस्थितियों में यह साबित भी होता है। कुछ ऐसा ही मामला नागपुर स्थित संकल्प अस्पताल में से आगे आ रहा है, जहां डॉक्टर प्रतीक राउत की सूझबूझ से बैतूल से आए बच्चे की जान बची है। आइए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल शनिवार की शाम एक नन्हा बच्चा बेहद संगीन अवस्था में संकल्प अस्पताल में लाया गया, जिसने खेलते हुए सेफ्टी पिन मुंह में डाली और वह उसके पेट में भी चली गई, जिससे पेट में तकलीफ बढ़ने लगी, लेकिन बच्चा छोटा होने के कारण वजह पता नहीं चल पा रही थी। आखिर यह दर्द किस बात का है, लेकिन जब एक्सरे में देखा गया तो एक सेफ्टी पिन नजर आई, वह भी पूरी तरह खुली हुई। मामले की गंभीरता को समझते हुए बच्चे को नागपुर के संकल्प अस्पताल में रेफर करने की सलाह बैतूल के डॉक्टर ने दी, जिसके बाद डॉक्टर प्रतीक राउत और सिद्धार्थ धांडे ने मिलकर एंडोस्कोपी के माध्यम से बच्चे की सर्जरी को अंजाम दिया और वह सफल भी रहे। बच्चे के अभिभावक आज डॉक्टर प्रतीक राउत को ढेरों आशीर्वाद देते हुए अपने घर लौट रहे हैं। दर्शकों, बच्चे कई बार ऐसे गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा काफी खतरनाक हो सकता है। इस वक्त हम मौजूद है संकल्प हॉस्पिटल में, जहाँ के एक बच्चा यहाँ पेशेंट के तौर पर आया है और उसके अभिभावक भी हमारे साथ है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या मामला और क्या इंजुरी हुई थी बच्चे को। क्या इंजुरी हुई थी आपके बच्चे को, आखिर आपको बैतूल से यहाँ तक आना पड़ा? सर, पिन उसके पेट में आ गई थी और वो पिन उल्टी थी, इस वजह से हमने नागपुर बेस्ट समझा। तो किस प्रकार से खाई थी पिन, और मतलब खेलते खेलते या क्या सिचुएशन थी? सर, खेलते खेलते ने लेटा हुआ था वो, और उसने मुंह में रख दी थी, तो उस चक्कर में वो अंदर चल दी उसके मुंह से। आपको किसने रेकमेंड किया था कि आपको आज संकल्प हॉस्पिटल में आना है, और नागपुर में कई बड़े बड़े हॉस्पिटल भी है, लेकिन आपने इस हॉस्पिटल को चूज किया? हमारे वहाँ बैतूल में देशमुख डॉक्टर साहब है, उनने डॉक्टर साहब से यहाँ संकल्प में बात की थी। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटा सा बच्चा जिसने की पिन खा ली थी और वो अंदर जाकर उल्टी हो गई थी। पिन खुल जाने के कारण काफी बड़ी इंजुरी और काफी बड़ा नुकसान इस बच्चे को हो सकता था, लेकिन डॉक्टर प्रतीक राउत की सूझबूझ और उनकी कर्तव्य परायणता, साथ ही साथ उनके ज्ञान के बूते पर ये केस यहाँ सॉल्व किया गया है। बैतूल से लोग आए हैं, उनके साथ उनकी माता जी भी उपस्थित है। एक केयर करने में माता जी का और माँ का काफी बड़ा महत्व होता है, काफी बड़ी सहभागिता होती है। आपके बच्चे ने पिन खा ली थी ऐसा बोला जाता है, क्या परिस्थिति आपकी थी उस समय, क्या सिचुएशन थी, और किस प्रकार से समझा कि इतना छोटा सा बच्चा है वो बता भी नहीं सकता कि पिन खाइए करके? नहीं, मैंने पूछा था कि मुंह में क्या है, तो दिखाई दे रही थी, थोड़ा हल्की सी दिखाई दे रही थी। और फिर मतलब क्या सिचुएशन थी आपकी, क्या लगा था आपको उस समय? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए तुरंत फोन किया। तो फिर कहाँ लेके गए सबसे पहले आप? सबसे पहले प्रकाश देशमुख डॉक्टर कहने लेके गए थे। उन्होंने क्या क्या इलाज किया था उस दौरान? उन्होंने बताया था कि पिन बंद होंगी तो निकल जाएंगी, लेकिन पंडाग्रे हॉस्पिटल में गए थे तो उन्होंने पाडर और नागपुर का बताया था। कैसा लग रहा है आज इतनी बड़ी सिचुएशन से आप निकल चुके हैं, उभर चुके हैं इस केस से, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत परेशान हो गए थे हम लोग, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। दर्शकों, इतनी बड़ी सिचुएशन से उभर कर, इतने बड़े संकट से उभर कर अभिभावक निशब्द है, मुंह से शब्द नहीं फूट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भावनाएं भी बोलती है। डॉक्टर प्रतीक राउत की सूझबूझ और उनके ज्ञान के बूते पर इतना बड़ा ऑपरेशन यहाँ सक्सेस हुआ है, और बैतूल से आए हुए लोग आज खुशी लेकर, अपनी झोली में खुशी लेकर बैतूल अपने घर वापिस लौट रहे हैं, जो कि काफी बड़ी मात्रा में खुशी की बात है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे, BCN न्यूज़, नागपुर।